हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज अड्डा वे टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 5 जून 2021 के करंट अफेयर्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च पेंगुइन 4B मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट रिसेंटली। तो हाल ही में कौन से देश ने पेंगुइन 4B मौसम संबंधी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, वो किया है चाइना ने। तो हम जान लेते हैं कि पेंगुइन 4B जो सैटेलाइट है ये क्या वर्क करते हैं। जो पेंगुइन 4B सैटेलाइट है ये हमारे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड, डिजास्टर से रिलेटेड, जैसे कि कोई भी डिजास्टर जो आने वाले समय में आने वाला है उसके बारे में बताएगा, जिससे हम होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। रिसेंटली इन द डिस्कशन, रेड टूरिज्म इज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो हाल ही में जो चर्चा में रहा है लाल पर्यटन, वो कौन से देश से संबंधित है, कौन से देश से रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है चाइना से। अब हम बात कर लेते हैं कि लाल पर्यटन जो कि रेड टूरिज्म है वो क्या चीज है। तो इसमें क्या है कि जितने भी टूरिस्ट हैं उनको ये बताया जाता है कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से फेमस प्लेसेस हैं और आप कहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो टूरिस्ट को विजिट करवाने के लिए अपने यहाँ, तो उसके लिए ये टूरिज्म चलाया गया है जिसका नाम है रेड टूरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है, हु हैज बिकम द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू आइसलैंड? तो हाल ही में जो आइसलैंड में भारत के नए राजदूत बने हैं वो कौन है? तो उनका नाम है बी श्याम जी। ये आइसलैंड के नए राजदूत बने हैं जो कि भारत से हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बाय व्हाट नेम डेट पाकिस्तान लॉन्च इट्स फर्स्ट कोरोना वैक्सीन? तो पाकिस्तान ने भी अपनी कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर दी है। तो पूछा गया इस क्वेश्चन में कि उस वैक्सीन का नाम क्या है जो लॉन्च की है पाकिस्तान ने। तो उसका नाम है पाक वैक। VAC से वैक्सीन और PAK से पाकिस्तान, तो इन दोनों को जोड़कर उसका नाम बनाया गया है पाक वैक। तो फ्रेंड, जो ये वैक्सीन है ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया है, बट इसको चाइना ने हेल्प किया है बनाने में, इसको डेवलप करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प की है। तो इन दोनों देशों ने मिलकर ये वैक्सीन बनाई है और पाकिस्तान द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। जो पाकिस्तान है उसकी कैपिटल क्या है? तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है इमरान खान और जो इसके प्रेसिडेंट है उसका नाम है आरिफ अलवी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स फर्स्ट स्टैंडर्ड्स बॉडी टू ज्वाइन वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम? तो वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल होने वाला पहला मानक निकाय कौन सा संगठन बन गया है? तो वो कौन सा संगठन बना है? तो वो बना है RDSO, जिसका फुल फॉर्म है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे दो क्वेश्चन बनते हैं कि कई बार हमारे से फुल फॉर्म्स भी पूछ ली जाती हैं, तो पूछा जा सकता है RDSO की फुल फॉर्म क्या है? तो उसकी फुल फॉर्म होगी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, वन नेशन एंड वन स्टैंडर्ड योजना क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा उसका जो पैम्पलेट्स होते हैं प्रोडक्ट्स के, वो सभी जगहों के लिए सेम होगा। ये नहीं कि किसी राज्य में कुछ और पैम्पलेट है, किसी में कुछ पैम्पलेट है। इसलिए इसका जो नाम है वन नेशन वन स्टैंडर्ड, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी प्रोडक्ट होगा उसका जो पैम्पलेट होगा वो सेम होगा सभी के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली हु हैज लॉन्च सतत स्कीम? तो हाल ही में जो सतत स्कीम है, जो योजना है, वो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील के हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च कोरोना फ्री विलेज कॉम्पिटिशंस? तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे कि आपको पता है कि कोरोना ज़्यादातर केसेस जो आ रहे हैं वो गांव से आ रहे हैं, तो अब कौन से राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता शुरू की है? तो वो की है महाराष्ट्र में। अब उन्होंने क्या कहा है इसमें, कुछ
कुछ लेवल्स रखे गए हैं, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ लेवल्स रखे हुए हैं। अगर कोई भी गांव उन सभी लेवल्स को क्रॉस करता है, जैसे कि एक आप मान सकते हैं एक गेम है, तो कोई भी गांव उस लेवल्स को क्लियर करता जाता है, सारे जितने भी इनके रूल्स हैं उन सबको मानता है, गांव में सफाई बनाए रखता है, वैक्सीनेशन प्रॉपर हो रही है या किसी ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई इस बातों पे ध्यान दिया जा रहा है, मास्क बहुत जरूरी है, ज्यादा लोगों से मिलना ना हो, तो इन सभी चीजों पर जो गांव देख रेख करेगा सबसे ज्यादा, तो उसके लिए प्राइज अमाउंट भी रखी गई है। प्राइज अमाउंट रखने का एक मेन मोटिव यही है कि लोग अगर कोरोना से नहीं अपने आप को संभाल पाते या फिर नहीं देख सकते गांव के लोग कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, तो उन्होंने कहा है कि जो गांव के सरपंच होते हैं, जो गांव के हेड होते हैं, वो इन चीजों को ध्यान में रखे, और जो भी गांव इन सभी लेवल को क्रॉस करेगा तो उसको एक प्राइज अमाउंट दिया जाएगा। जैसे कि फर्स्ट प्राइज है वो 50 लाख का है, सेकेंड प्राइज है वो 25 लाख का है, और जो थर्ड प्राइज है वो है 15 लाख का। तो नेक्स्ट हमारे पास है, रिसेंटली सन हेलो हैज बीन स्पॉटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो हाल ही में जो सन हेलो है वो भारत के कौन से शहर में देखने को मिला है, तो वो कहाँ पर मिला है, वो मिला है हैदराबाद में। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं सन हेलो के बारे में, सन हेलो होता क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हम बादल होते हैं उनमें वाटर वेपर्स होते हैं, जो वाटर वेपर्स फ्रीज हो जाते हैं और जब सन की जो रेज हैं उन पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, तो जो रिफ्लेक्शन से बनता है उसे क्या कहा जाता है, उसे बोला जाता है सन हेलो। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ त्रिपुरा। तो हाल ही में त्रिपुरा के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वो किया गया है अलोक कुमार जी को। नेक्स्ट हमारे पास है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द न्यूली फॉर्म डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल। तो नवगठित डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया है। तो जिन्हें नियुक्त किया गया है वो है विक्रमजीत सेन। नेक्स्ट हमारे पास है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्रीवेंस ऑफिसर इंडिया बाय व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप ने भारत के लिए किसे शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, तो वो किया है परेश बी लाल जी को। तो फ्रेंड्स आपने हाल ही में न्यूज़ सुनी होगी कि जितने भी सोशल मीडिया हैं उन पर एक कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, कुछ न्यू अपडेट्स आई हैं, तो अब उन सब एक लेवल बनाया गया, अगर आप उन रूल्स को नहीं मानते तो आप पे किसी भी तरह की कोई भी आप कह सकते हैं इंक्वायरी बैठ सकती है, इंक्वायरी हो सकती है आपके बारे में। तो इसी तरह जो व्हाट्सएप है उन्होंने भारत के लिए अगर इंडिया में ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किए हैं। तो जो शिकायत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है परेश बी लाल जी। नेक्स्ट हमारे पास है, विच कंपनी हैज एक्वायर्ड मेटलाइफ एंड बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ई फार्मा कंपनी। तो ऐसी कौन सी मेटलाइफ, एक किस कंपनी ने मेटलाइफ का अधिग्रहण किया और भारत की सबसे बड़ी ई फार्मा कंपनी बन गई है, तो उसका नाम है फार्मा इजी। जो फार्मा इजी है वो भारत की सबसे बड़ी ई फार्मा कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021। तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है डेविड डियोप को। तो 2021 का जो अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड है, बुकर पुरस्कार है, वो किसे दिया गया है, वो ये दिया गया है डेविड डियोप को। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।